एवरीवन, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज हम लोग आए थे फॉग में, और यहाँ पे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि जो ओरिजिनल ऑडियो है वीडियो की, उसमें बहुत ही ज़्यादा शोर था, मेरी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, इसलिए मैं यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ। और हम लोग मतलब फाग से आगे थे, लंच करने आए थे। हम लोग मेरे साथ ललित, अलका, प्रवीण और दीपांकर थे। तो हम लोग फाग में गए, बहुत सारा डांस किया, और किसी ने मुझसे पूछा था कि फाग कितने दिन की होती है, तो फाग जो है 4 दिन की होती है और ये सेकेंड डे था। तो यहाँ पर मैं कह रही हूँ कि बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो गई थी रामपुर में, तो मतलब अभी मार्च में इतनी ज़्यादा गर्मी होगी, बहुत ही ज़्यादा। तो आज के इस व्लॉग में मैं आपको फाग में आए देवी देवताओं का बहुत ही सुंदर सुंदर सा डांस दिखाऊंगी, और हमने भी थोड़ा बहुत सा डांस किया है वो भी दिखाऊंगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो यहाँ पे जो है सभी लोग डांस कर रहे थे, यहाँ पे लोग अपने अपने देवता के साथ डांस करते हुए दरबार में जाते हैं। और ये ढोल नगाड़ों में नाचना तो आज के टाइम में जैसे लोग भूल ही गए हैं। और सच बताऊँ तो मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मैंने मतलब आज तक मैं ढोल नगाड़ों में नहीं नाची हूँ, बस नाची तो बस DJ पार्टी वगैरह DJ में ही नाची हूँ, ऐसे बिल्कुल भी नाची, और बहुत ही मज़ा आता है इस तरह से नाचने में। और लोगों की भीड़ देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो हिमाचल में लोगों को देवी देवताओं के प्रति कितनी ज़्यादा आस्था है।
हर तरफ घुसने के लिए जगह नहीं मिल रही है। अभी हम लोग इधर ही है फॉग में और थक बहुत ज्यादा गया। अभी टाइम 4 बजे और आज तो मैं मतलब मेरी बैटरी अभी 4 बजे डेड होगी और आज हम नाइट फंक्शन में आएंगे। पिछले कल हम नहीं आए थे तो अच्छा आज हम कहीं नहीं अभी जाएंगे आएंगे नहीं हम यहीं से नहीं जाएंगे अभी यहीं से नहीं जाएंगे नहीं अभी तो मैं जाऊंगी फिर मैं बाद में आऊंगी। बाय बाय। तो फाग में सभी लोग अपने अपने देवी देवता के साथ अलग अलग जगह पर नाटियाँ लगाते हैं जैसे आपको दिख रहा है। कुछ लोग आगे की तरफ नाच रहे हैं और कुछ लोग यहाँ पर। तो सभी का कल्चर जो है ना डिफरेंट डिफरेंट है और बहुत ही सुंदर लगता है कि एक ही जगह पर इतने डिफरेंट डिफरेंट कल्चर देखने को मिलते हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है फाग। अब हम इस भीड़ के पीछे घुसते घुसते जा रहे हैं तो यहाँ पर भी मैं वॉइस ओवर ही कर रही हूँ क्योंकि शोर बहुत ही ज़्यादा था। आपको पता है कि मेले के चलते हर जगह गाड़ियों की आवाज़ और शोर बहुत ही ज़्यादा था। तो यहाँ पर मैं रूम आ रही थी और मैं आपको जलेबियाँ दिखा रही हूँ कि बहुत ही टेस्टी थी। मेले में आए और आप जलेबियाँ ना खाएं। तो आज की व्लॉग में बस इतना ही। अगर आप चाहते हो कि मैं जो 2 दिन बचे उसमें भी व्लॉग बनाऊँ तो प्लीज़ करके कमेंट में बताना कि व्लॉग बनाइए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। Two hearts slowly breaking, living the highs and lows, I'm keeping busy. Don't know if we're saving. Are we meant to be?